नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मर्धर बुलेटिन में। मैं दीपिका जांगिड़ आपके साथ। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र में पोशाल नवपुरा गांव में एक पिता ने अपनी चार बेटियों को कीटनाशक पिलाकर पानी के टांके में डुबाकर मार डाला है। इसके बाद खुद जहर खाकर टांके में कूद गया। ये देखते ही वहां मौजूद लोगों ने पिता को बाहर निकाल लिया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। पोशाल नवपुरा गांव में शुक्रवार की रात पुरखा राम पुत्र ईश्वर राम ने अपनी चार बेटियों को पानी में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया, फिर ढाणी के पास बने होद में डाल दिया। इसके बाद देर रात खुद भी टांके में कूद गया। आसपास के लोगों ने उसे देख लिया, पानी कम होने की वजह से वह बच गया, जबकि चारों बेटियों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों बच्चियों को बाहर निकाला और पुरखाराम को शिव अस्पताल लेकर आई। बच्चों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुरखाराम को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शिव थाना अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया है कि जिया 7 वर्षीय, वसुंधरा 5 वर्षीय, हिना 3 वर्षीय, लक्ष्मी उर्फ लाची 18 महीने की थी, जिनकी मौत हो गई है। राजस्थान में मानसून आज से फिर सक्रिय हो गया है। पूर्व राजस्थान की कोटा भरतपुर संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। कोटा में आज सुबह से लगातार हल्की बारिश हो रही है। झालावाड़ के डग से बीते 24 घंटे के दौरान 4 इंच से ज्यादा पानी गिरा। कोटा बेराज बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने 2 दरवाजे खोलकर 7,500 क्यूसेक से ज्यादा पानी चंबल नदी में छोड़ा है। जवाहर सागर बांध का भी जलस्तर बढ़ने के बाद 6,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जयपुर में सुबह से काले बादल छाए हैं। शहर में अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर झिमझिम बारिश हो रही है। कोटा में सुबह 3 घंटे तक लगातार हल्की फुहार का दौर चला। अलवर भरतपुर क्षेत्र में भी आज सुबह से काले बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अब तक 414.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 3% ज्यादा है। पूर्व राजस्थान क्षेत्र की बात करें तो यहां सामान्य से 6% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में औसत बारिश सामान्य से 2% कम हुई है। अफीम के पट्टे जारी करने के एवज में किसानों से अवैध वसूली के कारण करने वाले आरोपी में जेल में बंद निलंबित IRS डॉक्टर शशांक यादव को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद शशांक यादव को जेल से रिहा किया गया। शशांक 55 दिन से जेल के सलाखों में कैद थे। हाईकोर्ट जमानत आदेश में लिखा है कि 25,000 की 2 अलग अलग जमानत व 50,000 का मुचलका पेश कर दिया और 2 जेल से रिहा कर दिया जाए। हाईकोर्ट से जारी जमानत आदेश की मूल प्रति शुक्रवार को कोर्ट ACB कोर्ट में पेश की गई और इस आधार पर कोर्ट ने जमानत मुचलके की तस्दीक करते हुए जेल से छोड़ने के लिए जेल अधीक्षक को भेज दिया। इस पर जेल अधीक्षक ने अवैध वसूली के आरोपी में बंद डॉक्टर शशांक यादव को शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया है। डॉक्टर शशांक यादव 23 जुलाई से जेल में बंद थे और पूरा मामला ये था कि उन्होंने कोटा ACB ने सूत्रों से मिले इनपुट के आधार पर 17 जुलाई को हैंगिंग ब्रिज टोल नाके पर अफीम नीमच फैक्ट्री के महाप्रबंधक अतिरिक्त चार्ज डॉक्टर शशांक यादव की गाड़ी को रुकवा कर आकस्मिक चेकिंग की। उनकी गाड़ी में मिठाई के डिब्बे में रखे 15 लाख व लैपटॉप के बैग और पर्स से 1.32 लाख यानी कुल 16,32,410 रुपए जब्त किए गए। ACB की टीम ने जब्त रकम के बारे में पूछताछ की तो आरोपी संतोषजनक नहीं जवाब दे पाए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। विधानसभा में कभी एक दूसरे के खिलाफ तल्ख भाषा में तनाव दिखता है तो कभी विधायकों के शब्द बाण चलते हैं, लेकिन हमेशा ही सदन का माहौल तनावपूर्ण नहीं होता। कभी कभार सदन में विधायक एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, हालांकि इस तारीफ के अंदाज में भी नेता चुटकियां लेना नहीं छोड़ते हैं। इस माहौल में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की तारीफ की। राठौड़ ने कहा है कि वे धारीवाल की बुद्धि और सामर्थ्य को धन्य मानते हैं। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इतने छोटे समय के लिए बुलाए गए विधानसभा सत्र में भी उन्होंने अपने 9 विधेयक सदन के पटल रख दिए हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए मरुत्र बुलेटिन के साथ। नमस्कार।